नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूपी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। जी हां, दरअसल यूपी पुलिस ने अपना डायल 100 नंबर जो है उसे बदलकर 112 कर दिया है। इसका मतलब जब भी कभी अगर आपको ऐसी मदद की जरूरत पड़ेगी और अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो आप 100 पे नहीं बल्कि 112 नंबर पे कॉल करेंगे और फिर उसके बाद आपको पुलिस की सहायता मिलेगी। ये आज अनाउंस हुआ है और इसके तहत 26 अक्टूबर को जो 100 डायल नंबर का सेवा थी पुलिस ने जो उपलब्ध कराया था उसे बंद कर दिया जाएगा और 26 तारीख से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद 112 एक ऑफिशियल तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। आपको बता दें इस नंबर के जरिए बहुत सारी सेवाएं जुड़ी है, लेकिन इस यूपी पुलिस ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको बताते हैं। दरअसल ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की वजह से बदला गया है। दरअसल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत के चलते ऐसा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 सितंबर को देश की पहली एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली लॉन्च की थी। उन्होंने चंडीगढ़ में सबसे पहले ये इमरजेंसी सेवा लॉन्च की थी, जिसके तहत एम्बुलेंस, फायर और पुलिस के अलग अलग नंबर याद रखने की जगह अब सिर्फ एक ही नंबर 112 से सभी इमरजेंसी सेवाओं की मदद ली जा सकेगी। इस शुरुआत के बाद पिछले महीने दिल्ली पुलिस का डायल 100 भी बदलकर 112 नंबर हो गया था। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत 112 कॉमन नंबर से डायल 100, 101 और 108 सेवाओं को जोड़ दिया गया है। अब तक इमरजेंसी मदद के लिए 20 से अधिक आपात नंबर चल रहे थे। तो याद रखिएगा, अगली बार अगर आपको कभी भी इमरजेंसी नंबर की जरूरत पड़े तो अब एक ही नंबर है, यानी कि बार बार जो याद करने का झंझट था वो अब खत्म हो गया है। एक ही नंबर है, चाहे एम्बुलेंस के लिए हो, फायर के लिए हो या फिर मेडिकल के लिए हो, आप एक ही नंबर 112 पे कॉल करेंगे तो आपके पास सहायता पहुंच जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन गौरव के साथ मैं अनुश्री, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड चैनल।